हेलो फ्रेंड्स, मैं मकसद। आज मैं आपको मारुति वर्ज़ा के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो कुछ ऐसे दिखती है कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, कुछ स्टार बटन मिलता है हमें यहाँ, तो कुछ ऐसा एनिमेशन रहता है इसका जब ये स्टार्ट होता है। की को रख देते हैं यहाँ पर और शुरू करते हैं। तो कई भाइयों ने मुझे कमेंट किए थे कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कैसे कनेक्ट होता है, तो उसके बारे में आगे वीडियो में मैं जानकारी जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हम इसमें जाएंगे। तो जो जो डिवाइस जो पेयर हुए हुए हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे हमारे इस फ़ोन का ब्लूटूथ हमने ऑन कर लिया है, तो हम यहाँ से ये दबा देंगे अक्षत और ये मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। ये मारुति सुजुकी के नाम से आता है। कनेक्टिंग हो रही है, यहाँ पे भी आ रहा है कनेक्टिंग, अक्षत प्लीज वेट। तो कनेक्ट हो चुका है हमारा फ़ोन। तो यहाँ पर एयरटेल और मेरा नाम आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ टैप करेंगे तो यहाँ मेरी कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, डायल पैड वगैरह आ जाएंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हम यहाँ से उठा सकते हैं और काट भी सकते हैं। तो ब्लूटूथ से हमें ये हो सकता है, और जैसे हम यहाँ जाएंगे ये यहाँ पर ये एफएम खुला हुआ है, इसे टाइप करेंगे रेडियो एफएम 1 एफएम 2 और सब फीचर्स मिलेंगे। ये डीआरएम डीआरएम एएचटी एएम एएचटी और एएम एएम पर सेट है। जैसे हम मीडिया में जाएंगे तो यहाँ ब्लूटूथ एचडी कार्ड रेडियो आईपॉड यूएसबी और ऑक्स का हमें ऑप्शन मिलता है। तो हम ब्लूटूथ पर जाते हैं। तो यहाँ ब्लूटूथ पे जाने के बाद हम यहाँ से सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं और यहाँ सॉन्ग्स आगे पीछे कर सकते हैं, और ये भी कुछ कंट्रोल्स हैं। और यहाँ से हम डायरेक्ट नेविगेशन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम वापस होम पर जाएंगे, फिर ये आता है हमारे नेविगेशन। नेविगेशन का हम यहाँ पर जो हमारी करंट लोकेशन है वो इस टाइम यहाँ पर। तो दोस्तों मैं रहता हूँ आगरा रोड पर, तो ये मेरी घर की लोकेशन ये बता रहा है इसमें। तो जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो ये न्यू एड्रेस और ये सब फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर जाके हम इसमें स्टेट डालेंगे, जैसे हमें स्टेट डालना है राजस्थान, तो यहाँ आ जाएगा। इसे टैप करके ओके दबा देना है, फिर ये सारा सेट होके नेविगेशन हम चालू कर सकते हैं। ये बहुत ही करेक्ट नेविगेशन है, हैंग नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है। तो दोस्तों अब मेन चीज़ आती है एप्पल कारप्ले कैसे चलेगा, कि हमारा फ़ोन तो कनेक्टेड है लेकिन चालू ही नहीं हुआ। तो हमें इससे कनेक्ट करने के लिए ऐसी कुछ यूएसबी की ज़रूरत होगी, और इसे हम यहाँ लगाएंगे और फिर इस यूएसबी को इस फ़ोन से कनेक्ट करना होगा। तो एक सेकेंड, तो जैसे ही हम फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो हमारे फ़ोन में कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे, जिसमें हमें ये ऑप्शन आएगा एंड्रॉयड सिस्टम से आपके पास, जिसमें से ये 5 ऑप्शन आएंगे आपके पास एंड्रॉयड ऑटो के लिए यूएसबी, और ये कुछ 3 ऑप्शन और है ये चार्जिंग फ़ोन के लिए। तो हमें एंड्रॉयड ऑटो को सिलेक्ट कर देना है। जैसे हम इसे करेंगे एंड्रॉयड ऑटो को सिलेक्ट, यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड ऑटो चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन भी आ गया है और एंड्रॉयड ऑटो भी लिखा हुआ आ गया है, तो कनेक्ट भी हो गया। जिसे जैसे जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर गूगल मैप्स और ये सैमसंग का फ़ोन का सैमसंग म्यूजिक, फ़ोटो, गूगल न्यूज़ वगैरह सभी चीज़ आ चुकी है। और जैसे मैप्स खोलेंगे हम तो ये देखिए पूरा बिल्कुल एंड्रॉयड की जैसे मैप इसमें खुल गया है, पूरा बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ से हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ फोन जैसे हम डायरेक्ट कॉल वगैरह सब मिला सकते हैं, यहाँ कॉल हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर विजिबल है। और जैसे हम यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी है, जैसे हम इसे टाइप करेंगे
गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें ये नोटिफिकेशंस का पैनल मिल जाता है, और यहाँ से डायरेक्ट म्यूजिक का, म्यूजिक मैंने म्यूट कर रखा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। और इससे हमें मिलता है ये, इसका मतलब है वॉइस कंट्रोल, एंडिंग ये वॉइस कंट्रोल है। जैसे हम इसे दबाएंगे फिर हम जो कमांड देंगे कार वही करेगी। फिर उसमें वो सेटिंग्स, डिस्प्ले ब्राइटनेस, हमको ब्राइटनेस कितनी रखनी है, तो हम इसे अभी वीडियो शूट करें इसलिए 3 रुपये कर देते हैं। या कुछ नोटिफिकेशन आया है, इसका कुछ ऐसा आइकन आएगा, वापस हम होम पर जाते हैं, ये इससे क्रॉस हो जाएगा डिस्प्ले। यहाँ पे हम क्लॉक सेट कर सकते हैं, हमें कैसे क्या क्लॉक सेट करना है। लैंग्वेज इसमें टोटल 5 लैंग्वेजेस मिलती है, और यहाँ पर लॉक कीपैड व्हील ड्राइविंग, जो हम ड्राइव कर रहे हैं तो कीपैड लॉक हो जाए तो हम इसे ऑफ रखते हैं। सिक्योरिटी पिन, जब हम इसे ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करते हैं तो हमें पिन डालना पड़ता है, वो हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और भी कई सारी सेटिंग्स है, जैसे रीसेट डाटा फैक्ट्री, और इसके रेगुलर मतलब कुछ दिनों में अपडेट्स भी आते रहते हैं मारुति सुजुकी से, तो भी इसमें अपडेट कर लेना चाहिए। और ये साउंड सेटिंग में हम बेस, ये बेस वगैरह, ट्रेबल, बैलेंस, फेडर, इक्वलाइजर, प्रेजेंट, सब यहाँ पे हम सेटिंग हो सकती है, ऑक्स वगैरह सब। और यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। तो दोस्तों ऐसा है कुछ ब्रेजा का स्टूडियो। अगर आपने लास्ट तक हमारी वीडियो देखी है तो उसके लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।